प्रिया कितनी देर लगा दी प्रशांत? वो बस की लाइन में देर हो गई। मैं पूरे एक महीने के बाद आई हूँ, कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हूँ मतलब जैसी थी वैसी हो। ये एक फूल तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, वो मैं बस से उतर रहा था तो एक फूल वाली बेच रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए। कोई चूड़ी? एक हाथ में है साहब। चप्पल? मंगलसूत्र? चप्पल भी नहीं है साहब। मंगलसूत्र बोला ना, मंगलसूत्र है क्या? मंगलसूत्र भी नहीं है साहब। तो ऐसा बोलना फिर। लाश को मॉर्ग में पहुंचा दो। अच्छी बात है साहब। क्या है रे, बीच में क्यों खड़ा है? तेरे घर पे कभी कोई मरा नहीं क्या? कभी लाश नहीं देखी क्या? चल हट यहां से। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको किसी आम आदमी पे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तेरा क्या है, कौन है तू? मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूँ, प्रशांत वर्मा नाम है मेरा। हाँ हाँ, तुम जो भी हो, हमें अपना ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना। अब ये लोग यहाँ पे मंजमा लगाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? तमाशा ही तो हो रहा है। ये लिखा पड़ी, ये जांच पड़ताल, ये सब एक ढोंग है, एक नाटक है। क्या होगा इससे? क्या कर लेंगे आप लोग? बस एक और फाइल बनाकर अपने ऑफिस को सजा लेंगे, और क्या कर लेंगे? भैया घर चलो प्लीज। भैया तुम्हें मेरी कसम। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, अपने अपने घर जाओ। प्रशांत गुरुजी। अरे अरे गुरुजी, मेरी बहन शालू। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। अपनी बहन को लेकर आओ कभी मेरे घर, यही पीछे बस्ती में रहता हूँ मैं, भारत नगर में। स्कूल में पढ़ाया मैंने इसे। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तुम बहुत ही डरपोक और तब्बू किस्म के थे। तुम्हें याद है एक मोटा सा लड़का तुमसे अक्सर बिस्कुट वगैरह छीन लिया करता था, और डर के मारे तुम मुझसे शिकायत भी नहीं करते थे। प्रशांत, तुम्हें तो मैं तुम्हारी आंखों से पहचानता हूं, भूला नहीं हूं मैं इन्हें। हमेशा डर देखता था ना इनमें, लेकिन अब इनमें बड़ा आक्रोश उभर आया है। इस आक्रोश को मरने नहीं देना। तुम आजकल बहुत ही कम आंखों में दिखाई देता है। बहाव को बहने की दिशा दो प्रशांत, क्योंकि जब कोई बांध टूटता है तो सैलाब ही आता है। शांति देवी जी। ये महिलाएं इतनी मेहनत से काम करती हैं, इनका बैंक में जाके सेविंग अकाउंट खुलवाइए। जरूर। दो पैसे बचेंगे तो इन्हीं के काम आएंगे ना, और चाहिए तो बैंक मैनेजर से मेरा नाम ले लेना, ठीक है? जाइए। और अरे आप लोग, नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। भरत जी, वो कल्याणी जिसकी लाश कुएं से निकाली गई, वो आपके कल्याण केंद्र की सदस्य थी ना? जी हाँ, पिछले दिनों में हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया था। यहाँ पर हर महिला का मेडिकल चेकअप होता है। हमने उसके दिमागी इलाज का भी बंदोबस्त किया था, लेकिन उसे पहले वो हमें छोड़कर चली गई। क्या वो उस हद तक पागल थी कि खुद को चोट पहुंचा सकती थी? मतलब नहीं समझा मैं आपका। उसकी लाश देखी है मैंने, उसके मुंह और गले पर चोट के निशान थे। ये सवाल अगर आप पुलिस से करें तो बेटर है ना। जाहिर है रिपोर्ट में उन निशानों का जिक्र तो होगा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो तुम? शहर की तमाम मौतों की तरह इस मौत को भी एक हादसा, एक दुर्घटना बनाकर पुलिस छुट्टी पा लेगी। वो इस बात की तय तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि उस लड़की का नाम आपके कल्याण केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। Thank you.
क्या है कि वो दरअसल वास भर रखा था, वो अपने आप मैं टकरा गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप है कौन? मैं प्रिया हूँ। प्रिया, प्रशांत है अंदर? प्रशांत वो, मैं उसके साथ ऑफिस में काम करती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ऐसे अब बैठे ना, प्लीज सिट डाउन। श्योर श्योर, आप प्लीज। I'm sorry, मैं वो क्या है कि मैं बैठ जाती हूँ। आप क्या काम करती हैं? जी बस यही तोड़फोड़? नहीं नहीं, ये हमेशा नहीं होता, ये तो बस कभी कभी हो जाता। आप हाँ बैठी रहिए प्लीज, आप उठिए मत, आप बैठिए। क्या तोड़ दिया शालू तुम? मैं आपके ऑफिस में काम करती है। हाँ? हाँ, वो तीन लड़कियां मेरे ऑफिस में जो काम करती थी, मैंने बताया तो था तुम्हें उनके बारे में। ये नीता, रजनी और रोजी। ये नीता है। ये नीता नहीं है भैया, ये चौथी है, प्रिया। प्रिया, प्रिया के बारे में तो मैं भूल ही गया था। कैसी हैं आप? प्रिया मैं कपड़े बदल के आता हूँ। वो मैं अंदर, वो क्या के ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, बात करनी थी उनसे। थैंक यू प्रशांत। यहाँ क्यों आई हो तुम? यहाँ क्यों आई हूँ? तीन दिन हो गए, तीन दिन हो गए, ना तुम फोन करते हो ना मिलते हो। मैं थोड़ा बिजी था। बिजी बिजी कुछ नहीं, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में 4 बजे इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं शालू को बता दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बता दूं? वेट। ए, नहीं नहीं, 4 बजे। ठीक, 4 बजे। तुम बहुत जिद्दी हो, ये कोई तरीका मुझे ऑफिस से निकालने का? ऊपर से हंसती हो। क्यों, कहा था ना कॉफी आने से पहले प्रशांत यहाँ जाएगा और आ गया। મારી દીકરી પૂનમ ને દિવસે જન્મેલી, અરે તારી માઈ મને અમાવાસ ના દિવસે મળેલી। અરે ઉડર ક્યાં દેખતા હૈ, ઇધર દેખ ઇધર દેખ, બચ્ચે ને તોડ ડાલા હૈ, યે મેરા લડકા હૈ, તેરા પૂરા રેસ્ટોરન્ટ ભી તોડ ડાલેગા ને, ઉસકા હમ પૈસા દેગા। ઓર્ડર લે, ક્યા ખાયેગા? સબ કુછ ખાયેગા, જા લે ક્યા બોલ દા। ધીરે ધીરે પ્યાર કો બરાના હૈ, हद से गुजर जाना है। अरे तू अर्जुन शर्मा, इतनी अर्जुन नानी लागे छे। आई लव यू, आई लव यू। काई घोड़ा निकाणी हनाने छे? अच्छा इधर अलाउड नहीं है, चलो बाद में गाना गाएगा, पहले खाना लगाओ, खाना खाओ, चलाओ चलाओ चलो बच्चा लाओ, चलाओ चलाओ झपाटा मारो, चलाओ खाना खाओ, सब कुछ खा जाओ मम्मी को छोड़ के। अरे बच्चू ररी रेलू छे, जरा दूध तो पीऊ। कब से मैं रो रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं पिलाने का। चल भाई काम कर, काम कर। हाँ कटा है, कटा है। सुबह आई छे कहीं समझ नहीं पाती, मगज में आवे हम बोले छे रे छे। हाँ निकला। हाँ क्या? हाँ एक तो वो है और एक तुम हो लल्लू कहीं के, दूर दूर भागते हो मुझसे। हाँ अभी तो उनके खेलने कूदने के दिन है ना, लगता है कुछ करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें सिखाना पड़ेगा। क्या? प्यार करना।